मध्य प्रदेश के खरगोन में कैबिनेट कृषि राज्य मंत्री सचिन यादव ने अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों को देखा। कृषि मंत्री यादव ने माना प्रदेश भर में अतिवृष्टि के कारण प्राथमिक रिपोर्ट में 15 लाख फसलें प्रभावित हुई हैं, करीब 10,000 करोड़ का किसानों का नुकसान हुआ है। सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। लगातार बारिश के कारण जिले भर में जल भराव के कारण कपास और मक्का की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। हजारों हेक्टेयर फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इसके चलते किसानों में निराशा और सर्वे ना होने से जिला प्रशासन को लेकर रोष है। अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लेने कैबिनेट कृषि राज्य मंत्री सचिन यादव कसरावद विधानसभा के रेगवा साईखेड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने कपास के खराब और काले हुए घेटे देखे। किसानों ने मक्के के भुट्टों पर इल्लियां होने की जानकारी भी दी। मंत्री के किसानों के खेतों तक पहुंचकर जायजा लिया। अतिवृष्टि के कारण जिले भर में फसलें चौपट हो चुके हैं। इसके चलते भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कई किसान कपास और मक्का फसल पौधे लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे। खराब हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग करते हुए किसानों ने चेतावनी भी दी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, विगत दिनों अतिवर्षा के कारण हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न जिलों में हमारे किसान साथियों की फसलें प्रभावित होने की खबरें हमको प्राप्त हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जो है पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जो हमारे जमीनी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमने कलेक्टरों के मार्गदर्शन में जो है हमने दलों का गठित किया है, जिसमें हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे पंचायत के अधिकारी उसमें सब शामिल रहेंगे। हमारे जो बीमा कंपनी है जो जिस क्षेत्र में काम कर रही है उन बीमा कंपनी के अधिकारियों को भी हमने सचेत कर दिया है और लगातार सब लोग मिलकर के जो फसलें प्रभावित हुई हैं उनका सर्वे करने का काम जो है किया जा रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी जो प्रारंभिक जो आंकड़ा हमारे पास में आया है, प्रारंभिक जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख हेक्टेयर जो है हमारे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और लगभग 10,000 करोड़ का जो है किसानों की फसल नुकसानी का आकलन जो है हमारे पास में आया है। हमने केंद्र सरकार से मांग करी है कि इस आपदा के समय में, इस संकट के समय में जो है केंद्र सरकार हमें आर्थिक सहायता प्रदान करे, विशेष पैकेज हमको दे ताकि हम हमारे प्रदेशवासी और हमारे किसान साथियों के को उनको राहत पहुंचा सके, उनको पर्याप्त हमको उनकी फसल नुकसानी का जो है मुआवजा। आज केंद्रीय दल भी आया है, मंदसौर जायजा ले रहा है, उसके बाद में मुख्य सचिव के साथ में उनकी बैठक भी भोपाल में। देखिए, लगातार जो है सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ में जो ये एक ये आपदा जो हमारे पर प्राकृतिक आपदा हमारे प्रदेश में आई है और पिछले 16 साल का वर्षा का जो सारे रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड जो है इस बार टूटे हैं, तो पूरी सरकार जो है हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे किसान साथियों को कैसे हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़वानी जिले के ग्राम